डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेस, क्लाउड सर्विस मॉडल की थर्ड सर्विसेज को, दैट इज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, जो कि जो स्टैक है सर्विस मॉडल का उसका बेस में आता है. सो बिकॉज इट्स प्रोवाइड एन इंफ्रास्ट्रक्चर, सो मीनिंग ऑफ इंफ्रा मतलब सर्विसेज जो कि विच इज रिलेटेड टू योर इंफ्रा, मीन्स वो सर्विसेज जो कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, दैट इज जिससे हम अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं उनको सपोर्ट कर सके, उन पे वर्क कर सके. सो दैट इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज. सो इफ वी कैन सी, अगर हम देखते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल, तो एंड यूजर इज एक्सेसेस टू योर SaaS software as a services, then the middleware is in your PaaS play which is provided to the platform, जो कि platform देता है, and infrastructure जो कि lower जो कि क्या provide कराता है over the cloud, over the internet पे, that is your PaaS, infrastructure as a services. So as a name of infrastructure as a services, इस name के according जो PaaS है वो क्या provide करा रहा है, वो offer करता है the services which is related to your infra, मतलब वो services जो कि support करती हैं infra को, provide कराती हैं. तो इस infra को provide कराने में आपकी services को क्या मिल रहा है, support हो रहा है. इसमें हम अपने services को, अगर hardware नहीं है, storage नहीं है, server नहीं है, networking नहीं है, तो भी यह आपको वो services provide करा रही हैं या वो infra provide करा रही हैं जिसकी आपकी आवश्यकता. So that is the services which is offering on demand cloud computing. It means हम on demand पे जो cloud पर जो on demand है हमारा, demand पर storage को लेना या network resources को लेना या servers को लेना या आपको जो जरूरत है उसके according उस hardware को लेना. That's why we can say it all also. इसलिए हम इसको साथ ही क्या कह सकते हैं, आज के साथ साथ हम उसे कहते हैं hardware as a services, क्योंकि वो आपको hardware provide करा रहा है. So that is basically a infrastructure as a services. Also known as a hardware as a services. जो organizations हैं वो purchase करती हैं उन resources को या on demand पर, या जो need है, ये जितनी hardware की need है या जितना हमको लेना है उतना ही हम buy करते हैं, उतना ही purchase करती हैं जो organizations है, ना कि वो पूरा, means instead of buying to whole, मतलब आप पूरा ना लेकर के, कि अगर आपको suppose दो server की need है, so don't go for the full another server. आप एक ही सर्वर से with the help of the cloud आप उस पर काम कर सकते हैं. So जितना आपकी need है उतना ही आप buy करें. So that is जो organization purchase कर सकती उन resources को on demand पर, जितना उनको need होती है ना, instead of buying to another hardware, मतलब ये दूसरा खरीदे इसके place पर, वो क्या purchase कर सकती है कि जितना demand है उसके according, उतनी need के according उसको आप buy कर सको within a month, एक मंथ के लिए, एक वीक के लिए या एक साल के लिए, और आप एक वीक एक दिन के लिए भी परचेस कर सकते हैं. सो दैट इज बेसिकली योर PaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज. जो PaaS के वेंडर्स हैं, द क्लाउड PaaS वेंडर्स हम कहते हैं, जो होस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को, जैसे इंक्लूडिंग उसके जो प्रोमाइसेस होता है या डेटा सेंटर्स हैं या जो स्टोरेज है, सर्वर है, नेटवर्किंग है या हार्डवेयर है या फिर उसका वर्चुअलाइजेशन है या उसका मतलब हाइपरवाइजर्स है, तो इनको वेंडर्स क्या करती हैं, वो PaaS के वो होस्ट करती हैं. सो दैट इज PaaS, जिसमें हमारा क्या रहता है, स्टोरेज और सर्वर्स होती हैं. जो मॉडल है विच इज जो अब जो सर्विस मॉडल है PaaS का, वो बेसिकली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाया गया है वो किस पर है, हमारे वेब एप्लीकेशंस पे. सो बेसिकली इट कंटेन्स अ मॉडल जो कंटेन करके रखती है किसको, वेब एप्लीकेशंस को. सो दैट इज आर PaaS. ये प्रोवाइड कराता है कंप्लीटली कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर पे, मतलब ये जो हार्डवेयर है उस पर कंप्लीटली कंट्रोल प्रोवाइड कराता है, जिससे आपकी जो एप्लीकेशंस है वो रन हो सके. जैसे हम स्टोरेज लिया या सर्वर है या फिर नेटवर्किंग है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो दैट इज आर हार्डवेयर. तो इन पे क्या होता है, आपका कंट्रोल होता है जिस पर आपकी वेब एप्लीकेशंस क्या हो सके, रन हो सके. PaaS मॉडल जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, साथ ही जिससे वो मैनेज हो सके या जो आईटी पर्सन है उसको उस पर पूरा कंट्रोल कर सके. सो इट्स इन बेस्ट वे टू फ्लेक्सिबल. जैसे PaaS का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखें, तो डेटा सेंटर एंड सर्वर, मतलब दैट इज बेसिकली PaaS का डेटा सेंटर रहेगा. फिर अगर हम कहें कि इट्स कंसिस्ट टू योर मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर्स, बिकॉज इसमें हमारे कोई क्लाउड के मतलब मल्टी क्लाउड्स हो सकती है, सो इट्स इन डेटा सेंटर्स मतलब इट्स इन सर्वर, देन मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर,
देन सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर कौन जो आपकी आज की सर्विसेज दे रहा है, सच एज क्लाउड, एंड देन एंड यूजर. सो आज जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज अ डेटा सेंटर टू द एंड यूजर विच इज होस्टिंग टू द मीन्स लाइक द जो प्रोवाइडर्स एंड योर मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दैट इज योर आज इंफ्रास्ट्रक्चर. चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आस. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आस की? सो आस जो है वो है रिसोर्स अवेलेबल होती है एज अ सर्विसेज, क्योंकि आपको रिसोर्सेज दे रहा है. सर्विसेज जो होती है वो हाईली स्केलेबल है. इट्स एन डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल क्लाउड सर्विस मॉडल. क्या है? डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है क्लाउड सर्विस मॉडल पे. जो ऐप है, मतलब जो हम वेब बेस्ड एप्स एक्सेस है, वो दैट इज जीयूआई एंड एपीआई बेस्ड. सो एक्सेस होता है जीयूआई एंड एपीआई बेस्ड पर. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है दैट इज ऑटोमेटिक. तो ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करता है ये. क्या क्या डिसएडवांटेज आप इसकी सॉरी क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो आज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ईजी टू ऑटोमेट. मतलब अब डिप्लॉय करने के लिए, मतलब या डिप्लॉयमेंट करने के लिए या डेवलप करने के लिए जो हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है या नेटवर्किंग की या फिर जो सर्वर्स की जरूरत पड़ती है, तो हमें आसान होता है इसको ऑटोमेट करने के लिए. दूसरा है कि जो परचेज है, हार्डवेयर परचेज, मतलब हमें कोई देयर इज नीड नॉट टू परचेज अ कंप्लीट हार्डवेयर. हम उसके प्लेस पर हम जो कंज्यूमर्स है, जो कंजप्शन है, जितना हमें जरूरत है उतना ही बाय करते. सो इसे हार्डवेयर परचेज की नीड नहीं पड़ती. सो कॉस्ट इफेक्टिव. तीसरा कि क्लाइंट जो होती है वो कंप्लीटली इस अंडरलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके क्लाइंट जो होता है कंप्लीटली उसके कंट्रोल में रहता है, कि जो इंफ्रा उसके कंट्रोल में है वो कंप्लीटली क्लाइंट के कंट्रोल में इंफ्रा होता है. जो प्रोवाइडर्स होती हैं वो डिप्लॉय कर सकती हैं उन रिसोर्सेज को जो कि कस्टमर एनवायरनमेंट में किसी भी टाइम. तो कस्टमर एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रोवाइडर्स किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. इट कैन बी स्केल्ड. ये इसको स्केल अप कर सकते हैं, यानी आपको जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं. तो इट कैन बी स्केल्ड. सो दीज आर द एडवांटेजेस. ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ आस. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आस? सो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो पहले हम इंश्योर करना पड़ता है कि जो हमारा ऐप है वो वर्स जो है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ करंटली कितना वर्क कर रहा है या क्या प्रोवाइड कर रहा है, एटमोस्ट उसकी सिक्योरिटी क्या है. सो जो ओएस है उससे रिलेटेड हमें उन एप्स को या हमारी उस कॉम्पेटिबिलिटी को चेक करना पड़ता है. सो दैट इज आवर फर्स्ट डिसएडवांटेजेस. सेकेंड हम देखते हैं कि जो हम जो डेटा होता है वो चार्ज होता है या यू मतलब सर यह सपोज कोई डेटा का चार्ज हो रहा है या कोई डेटा आपका लॉस हो जाता है या रिकवर हो जाता है. सो इट्स अप टू यू, मतलब ये आपकी प्रॉब्लम है. अगर बीच में कोई प्रॉब्लम इंसिडेंट होता है तो ये डेटा का लॉस होना, सो दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स अप टू यू टू रिकवर करना. दूसरा आस इज एन जो प्रोवाइड कराती है वो सर्विस सर्वर या APIs. सो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जो हम या फिर जो कॉन्फ़िगर करते हैं वो एवरीथिंग इज ऑन की जो प्रोवाइडर्स होती हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होती हैं जो API दे रही हैं, तो जो उसका कॉन्फ़िगर होता है वो उस प्रोवाइडर पे होता है. सो आस फॉर्म्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सो ये तो उसके डिसएडवांटेजेस. तो एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए. अब हमें बात करनी है कि कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर, तो कौन कौन आज देता है ना, कौन कौन इंफ्रा प्रोवाइड करा रहा है. सो दे आर द अमेजन वेब सर्विसेज, AWS, ब्लूस्टैक, IBM, ओपनस्टैक, रैकस्पेस एंड VMware. सो दीज आर द कंपनी हु आर प्रोवाइडेड द आज. आज मतलब जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है. सो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज पढ़ी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आज में क्या हम कवर करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में क्या कवर होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और कौन कौन सी सर्विस, कौन कौन सी कंपनीज है जो कि आज की सर्विस को प्रोवाइड कराती हैं. थैंक यू.